अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग सब? तो आज के वीडियो में आप लोग देखेंगे मेरा नथिया गली का व्लॉग। ये बकरा ईद का व्लॉग है। बस मैं एडिट करना भूल गई थी तो अब मैंने फाइनली इसको एडिट कर दिया है और आप देख सकते हैं कि हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। वी आर ऑन वे टू इस्लामाबाद एंड इस्लामाबाद से आगे देन वी विल गो टू नथिया गली। सो वी हैव रीच्ड एट भेरा, दिस इज़ आर फर्स्ट स्टॉप। यहाँ पर हम थोड़ा रेस्ट करेंगे और स्नैक्स वगैरह लेंगे एंड देन फिर हम अपनी जर्नी की तरफ आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि बकरा ईद का ये पहला दिन था तो सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद थे, सिर्फ ये एक शॉप खुली हुई थी जहाँ से आप स्नैक्स और ड्रिंक्स वगैरह ले सकते हैं। तो हमने स्नैक्स वगैरह ली। सो आई वॉज अलॉन्ग विद माई फ्रेंड एंड विद माई ब्रदर एंड बोथ ऑफ दैम रिफ्यूज टू कम इन माई व्लॉग। तो आपको सिर्फ व्लॉग में मैं ही नज़र आऊँगी, वैसे मैं भी कुछ ख़ास नज़र नहीं आऊँगी, लेकिन बेयर विद मी। तो यहाँ पर वी हैव रीच इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से नथिया गली का थोड़ा सा ही ट्रैवल आगे रह गया था। सो हैव अ लुक एट द ब्यूटीफुल व्यूज़। ऐसा हो नहीं सकता कि आप लोग नथिया गली जाएं और आप लोगों को मॉन्कीज ना मिलें। तो वी स्पॉटेड दिस मॉन्की, पता नहीं अपनी दुनिया में गुम दिखाई दे रहे हैं एंड दे आर ऑल्सो एंजॉइंग द वेदर। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग नथिया गली पहुंच चुके हैं। इतना खूबसूरत और प्लेजेंट मौसम था दैट आई रियली इंजॉयड। और यहाँ पर अब वी हैव रीच्ड आवर होटल, वी स्टेड एट होटल एलीट्स। सो दिस विल बी आवर होटल फॉर टू डेज। सो लेट मी टेल यू अबाउट द होटल, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट होटल्स इन नथिया गली। बहुत अच्छा कम्फर्टेबल आपका एक्सपीरियंस रहेगा। इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो टू नथिया गली, डू गिव इट अ ट्राई एंड यू पीपल आर गोइंग टू लव इट। क्योंकि बहुत अच्छा, नीट एंड क्लीन, कम्फर्टेबल होटल है। रूम्स बहुत साफ़ सुथरे हैं, खाना भी यहाँ का बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल माई एक्सपीरियंस अबाउट दिस होटल इज़ वेरी गुड। So this was our room for two days. बहुत साफ़ सुथरा और विद बैल्कनी व्यू, बहुत अच्छा होटल था। आई रियली इन्जॉयड माई स्टे देयर।
फर्स्ट डे व्हेन वी रीच नथिया गली, मौसम बहुत अच्छा था और बहुत प्यारी बारिश भी होने लग गई, तो सर्दी जो है वो ज़्यादा बढ़ गई, टेम्परेचर गिरना शुरू हो गया। थैंक गॉड कि हम लोग ने साथ शॉल्स रखी हुई थी, क्योंकि रात में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो गया था और हमें बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि मौसम बहुत ऑसम हो गया था। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि बाहर कितनी तेज़ बारिश हो रही है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा एंड आई एम जस्ट प्लानिंग टू गो बैक टू नथिया गली अगेन, क्योंकि बहुत सुकून फील होता है, इतना क्राउडेड नहीं होता है नथिया गली जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, तो बहुत मज़ा आता है। जस्ट चेक दिस व्यू, दिस इज़ अमेजिंग। तो ये अब हम लोग खाना खाने के लिए आ गए एक रेस्टोरेंट पे, जो कि नथिया गली में सिर्फ वाहिद रेस्टोरेंट उस वक्त ओपन था, सारे रेस्टोरेंट्स क्लोज डाउन थे और हमारा एक्सपीरियंस वाज पैथेटिक, फूड वाज सो बैड, नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। The balcony view from my bedroom, this was so mesmerizing, I cannot explain you in words. ऐसा लग रहा था कि आप clouds के अंदर कहीं बैठे हुए हैं। It was so beautiful. Pakistan is so beautiful. So this is day 2. Early morning उठकर तैयार वगैरह हुए हैं, उसके बाद फिर breakfast किया है। ब्रेकफास्ट करने के बाद शूट करवाया, पिक्चर्स क्लिक की, वीडियोस बनाई, काफ़ी टाइम हमने होटल में स्पेंड कर लिया। उसके बाद वी वर हेडिंग टूवर्ड्स भूरबन और हमने नीलम रिवर जाना था, सो दैट वाज द प्लान फॉर डे 2। सो नाउ यू कैन सी के वी हैव रीच्ड चिनार गोल्फ क्लब, इट इज़ लोकेटेड राइट नेक्स्ट टू पर्ल कॉन्टिनेंटल भूरबन इन मरी। तो इट इज़ नॉट ओपन फॉर पब्लिक, तो यहाँ पर रश तो बिल्कुल भी नहीं होता, बहुत पीसफुल सा एनवायरनमेंट है यहाँ पर। अगर आपको गोल्फ़ पसंद है तो आप आकर यहाँ पर गोल्फ़ खेल सकते हैं, और भी एक्टिविटीज़ हैं, तो ज़्यादा हमने एक्सप्लोर नहीं किया बिकॉज़ सच्ची बताऊँ तो वी वर गेटिंग बोर्ड। ऑल दो दैट क्लब वॉज रियली नाइस, बहुत ग्रीनरी थी, बहुत सुकून था, अच्छा था, बट हमने कहा कि चलो बस हमने एक्सप्लोर कर लिया, लेट्स मूव ऑन टू समवेयर एल्स। Have a look at some of my pictures from this नथिया गली tour. This is the day 2. और मैंने ये red outfit पहना था, it was plain basic red outfit. चूँकि ईद थी तो मैं फिर ईद से related ही कपड़े अपने साथ लेकर गई थी। So फिर यू कैन सी कि हम लोग दरिया नीलम आ चुके हैं, यहाँ पर हमने कुछ टाइम स्पेंड किया, लेकिन यहाँ पर बहुत शदीद गर्मी थी और बहुत क्राउडेड था, तो हम लोग वापस अपने होटल चले गए क्योंकि मज़ा नहीं इतना आ रहा था। अब हम लोग वापस आ चुके हैं होटल और रात में वी आर हैविंग सूप। सो दिस वाज आवर डे 2 जो कि ऐसे एंड होता है। इसके बाद हम लोग खाना खाने के लिए ग्लोरिया जीन्स जाएंगे, वहाँ जाकर हम अपना डिनर करेंगे एंड देन वी विल हेड बैक टू आवर होटल और अपने पैकिंग वगैरह करेंगे बिकॉज द नेक्स्ट डे वी आर हेडिंग बैक टूवर्ड्स लाहौर। तो हमारा नथिया गली का टूर जो है वो सम हाउ ऐसा गुजरता है। आगे की फुटेज मेरे पास थी लेकिन मुझसे डिलीट हो गई है, तो वो मैं यहाँ पर इंसर्ट नहीं कर सकूँगी, लेकिन इस तरह से हमारा डे 2 एंड हो जाता। तो ये डे 3 है, पैकिंग चेकिंग हो चुकी है, ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, आई एम प्लेइंग स्नूकर, किलिंग सम टाइम। ये डे 3 की कुछ पिक्चर्स हैं, हैव अ लुक एट देम।
और अब हम लोग अपनी जर्नी की तरफ रवा दवा हैं. वी आर हेडिंग बैक टूवर्ड्स लाहौर और दिस इज़ हाउ माई नथिया गली टूर वॉज एंडेड. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग. बाय बाय.